आरडी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 24 द सर्कल। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं एमसीक्यूज। आठवां सवाल है, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1 एंड 1 एंड इट्स 1 वर्टेक्स इज -1 एंड 2 देन द इक्वेशन ऑफ इट्स सर्कम सर्कल इज। अब आप देखें, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? सारे साइड जो होते हैं इसके इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होंगे और ये एंगल 60 डिग्री होता है। अब आप इसको, क्योंकि सेंटर आपको दिया हुआ है, सेंटर है 1,1 और ये भी दिया है कि एक वर्टेक्स इसका है -1, 2, तो ये सेंटर हो गया और ये आपका वर्टेक्स हो गया। मान लीजिए ये आपका 1,1 हो गया और ये है -1, 2। तो सर्कम सर्कल अगर आप ऐसे बनाते हैं इसको, ये रेडियस हो गया क्योंकि ये और ये डिस्टेंस बराबर है, ये सारे रेडियस ही है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो रेडियस यहां से मिल जाएगा आपको। और क्योंकि आपको पता है कि इसका सेंटर क्या है, तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब रेडियस निकालना है, रेडियस कैसे निकलेगा, इस डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए आप, ये 1 मतलब x1 y1 मान लीजिए इसको, x2 y2, तो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, y1 माइनस y2 यानी कि y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 जो भी आप लें, फिर दोनों को स्क्वायर करिए और ऐड करके रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट 5 आ रहा है, तो ये आपका रेडियस आया। तो यहाँ आर स्क्वायर आता है, उसको 5 रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ओपन कर दीजिएगा, ऐसी बन जाएगी, ए है इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें है, इफ द पॉइंट 2K लाइज आउटसाइड द सर्कल्स दिस एंड दिस, दो सर्कल इसमें दिए हुए हैं, मैं सर्कल दिखा देता हूं पहले आपको। एक सर्कल ये है x2 प्लस y2 प्लस x-2y-14 और एक सर्कल है x2 प्लस y2 इक्वल 13। तो ये जो सर्कल है ये इनके बाहर है, इन सर्कल्स के बाहर है, तो के किस इंटरवल में होगा, के किस इंटरवल में होगा, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए ये है कि अगर ये इसके बाहर हैं, बाहर हैं, तो पहला आप x यहाँ पर क्या करिएगा, ये 2 और k है, ये पॉइंट्स हैं, x की जगह यहाँ पर 2 डालिए, y की जगह k डालिए, इसमें भी यही करना है, x की जगह 2 डालिए, y की जगह k डालिए, और चूंकि 2 और k इसके बाहर है तो आप यहाँ करेंगे ग्रेटर देन 0, इसको करेंगे ग्रेटर देन 0, इसको वैल्यू को डालेंगे तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। हम ऑलरेडी लाइन वाइन की, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और बाकी जो हमने इनइक्वालिटी पढ़ी उसमें हम समझ चुके हैं इसको। अब आप देखिए इनइक्वालिटी पे ध्यान रखिएगा, करिए इसको इज इक्वल टू मान के ही, आखिर में हम इसका इनइक्वालिटी लेंगे, अभी मान के इक्वल टू ही करिए। तो यहाँ पर जैसे आप के और टू डालेंगे तो आपके पास इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक, इसके यहाँ पर क्या हो गए, दो रूट्स बना दिए, k-4 k+2, तो इसका मतलब k-4 k-4 और k+2। और जो कि हम सीख चुके हैं पहले कि जब इनइक्वालिटी में कैसे करते हैं, जब हमारे पास दो इस तरीके से फैक्टर होते हैं तो करते क्या हैं, पहले k-4 को जीरो रखते हैं, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता है, फिर k+2 जीरो है तो k आपका हो जाएगा -2, राइट। अब यहां पर आएंगे हम नंबर लाइन में बनाते हैं 4 और 2 4 और -2, तो यहाँ जीरो ले लीजिए तो यहाँ करीबन 4 आ जाएगा और यहाँ आपका -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है जब ये हम ग्रेटर देन जीरो कहते हैं तो या तो हम इस साइड की बात कर रहे हैं या हम इस साइड की बात कर रहे हैं, इसके बीच की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रहे कि हम इसको प्लस माइनस प्लस लेके चलते हैं, ग्रेटर देन जीरो मतलब हम प्लस का साइड यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे, तो एक्स ये के या तो ग्रेटर देन 4 होगा या के और के लेस देन -2 होगा, ये एक तो कंडीशन मिल गई आपकी। अब आइए आप दूसरे कंडीशन पे, यहां पर आप जब 2 और k रखेंगे इस वाले में तो आपको मिलेगा k² > 9, k² > 9, k-3 भी हो सकता है प्लस 3 भी हो सकता है, तो अगर आप इसका अंडर रूट लेना चाहें इधर पे तो प्लस माइनस 3 मिलेगा। k > 3 का मतलब प्लस माइनस 3 का मतलब क्या है कि -3 और 3 के दरमियान है, इसका मतलब अगर मैं यहां पर -3 बनाऊं और यहां पर आपको 3 बनाऊं तो k
तीन से बड़ा है या k माइनस थ्री से छोटा है? बिल्कुल सेम लॉजिक जो मैंने इसके लिए लगाया वो यहां लगाया। अब आप देखिए कि इन दोनों को कंबाइन कीजिए, इन दोनों कंबाइन कीजिए तो क्या हुआ, माइनस थ्री से छोटा है और माइनस टू से छोटा है, इसका मतलब माइनस थ्री से छोटा है तो पहली हो गई k लेस देन माइनस थ्री, और माइनस थ्री से फिर इनफाइनाइट तक जाएंगे तो एक एक इसी कंडीशन बना लेते हैं माइनस इनफाइनाइट तक, तो एक तो हो गई माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री। दूसरा क्या हुआ, के चार से बड़ा है कि तीन से बड़ा है, चार से बड़ा है तीन से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि चार से बड़ा है ना, तो फोर से इनफाइनाइट तक जाएंगे, फोर से इनफाइनाइट तक यूनियन कर दीजिए इसको, के बिलोंग्स टू ये आ जाएगा। तो अब देखिए कौन सा सोल्यूशन है, सी है इसका उत्तर। सवाल संख्या है 10। इफ द पॉइंट लैम्डा लैम्डा प्लस वन लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड वाई एक्सिस देन लैम्डा बिलोंग्स टू द इंटरवेल। एक पॉइंट दिया है आपको लैम्डा और लैम्डा प्लस वन, ये अंदर है इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अभी जो कर्व है इसको जरा देखिए, कर्व कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, कर्व दिया है क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम जानते हैं अगर हम स्क्वायर करेंगे एक स्क्वायर और इसको यहां लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर माने एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सेंटर आपको 0 0 मिल रहा है और रेडियस आपको 5 मिल रहा है। क्लियर हो गया यहां से, यहां से तो ये चीज समझ में आ रही है। तो ये सर्कल है और ये सर्कल है और रेडियस अगर मैं इसका सेंटर बनाने की कोशिश करूं तो ये सेंटर तो 0 0 है, रेडियस आपका 5 ऐसे 0 0 है और यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 5 है, ये 5 हो गया। यहां क्लियर हो गया, ओके। अब आगे चीज दी गई है एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कौन सा, ये वाई एक्सिस पूरी है ना, ये तो पूरी बनेगी, कोई इसमें ये तो नहीं क्या कहा कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पूरी हम देखेंगे। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। पहली चीज है कि ये जो है लाइज इनसाइड द रीजन, इस रीजन के अंदर है। तो अभी हमने क्या किया था आपको याद होगा कि जो ये वाली इक्वेशन है इसमें आप डालिए x की जगह लैम्डा और इसकी जगह लैम्डा प्लस वन और ये करेंगे लेस देन 25। क्यों? क्योंकि इस बार ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि लैम्डा प्लस वन ग्रेटर देन जीरो हो, लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए लैम्डा प्लस वन, क्योंकि ये हमारी x और y है, बेसिकली ये लाइज इनसाइड द रीजन है ना, इस रीजन के अंदर आ रहा है। ये कंडीशन हमको बतानी पड़ेगी कि जो जो ये एक्स है और वाई, हर वाई एक्सिस की बात हो रही है तो वाई ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हम जरा पॉजिटिव की तरफ ही रखेंगे वाई एक्सिस, है ना, मान के चलते हैं इसको। तो ये कंडीशन इसलिए ली गई है कि इससे हमें कुछ मिलेगा। देखें ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये तो अभी अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें क्या करिए, इसको ओपन करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इसके फिर रूट बनाइएगा, तो रेड लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस फोर लेस देन जीरो है। तो अब यहां पर क्या करते हैं, जैसे अभी अभी किया था फिर से बता देता हूं, पहले तो इसको जीरो कर दीजिए, लैम्डा प्लस फोर को जीरो कर दीजिए, इससे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, इससे लैम्डा थ्री मिल जाएगा, इससे लैम्डा आपका माइनस फोर मिल जाएगा। नंबर लाइन बनाइए, ये पॉइंट लीजिए आपका माइनस फोर और ये लीजिए थ्री। अब जब अब लेस देन जीरो होता है तो इसके अंदर वाली चीज लेते हैं यहां, तो लैम्डा क्या हुआ, लैम्डा इसके और इसके बीच में है, तो लैम्डा यहां पर देखिएगा लैम्डा लाई कर रहा है माइनस फोर और किसके बीच में, थ्री के बीच में, इसके बीच में लाई कर रहा है, और क्योंकि लैम्डा प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए वाई, वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो इसलिए हमने वाई लैम्डा प्लस वन ग्रेटर देन जीरो कहा। तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो का मतलब यह है लैम्डा ग्रेटर देन माइनस वन, लैम्डा ग्रेटर देन माइनस वन है, लैम्डा ग्रेटर देन माइनस वन है और माइनस फोर से लैम्डा माइनस फोर और माइनस फोर और थ्री के बीच में, और यहां कह रहे हैं कि लैम्डा माइनस वन और थ्री के बीच में, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लीजिए, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, केवल ये पॉइंट होगा लैम्डा, क्या कहा लैम्डा ग्रेटर देन माइनस वन, यहां से यहां तक, तो इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन क्या पॉइंट हो रहा है, ये इतना हो रहा है, लैम्डा की सिचुएशन हम चेंज कर रहे हैं, ये माइनस वन और थ्री के बीच में आएगा लैम्डा ऐसे, तो आप ऐसे लिखेंगे लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस वन एंड थ्री, ये इसका आंसर होगा, ए है इसका उत्तर। 11 इसमें है
द इक्वेशन ऑफ द इन सर्कल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल 6 इज. तो पहले हम ये जो लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल 6, इसका हम x और y एक्सिस से इंटरसेक्शन निकालेंगे, या कहें कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेक्शन निकालेंगे. x को 0 रखिए, देखिए y क्या आता है, y आएगा 2. y को 0 रखिए, देखिए x क्या आता है, 6/4 यानी कि 3/2. तो आपको ये तो मिल गया, ये y एक्सिस वाला पॉइंट हो गया, ये x एक्सिस वाला पॉइंट हो गया, जो यहां देख रहे हैं आप 0/2 और 3/2 0. अब ये जो सर्कल है, ये जो ट्राइंगल है, सवाल में ये कहा गया है कि द इक्वेशन ऑफ द इन सर्कल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इन सर्कल, अंदर के सर्कल की बात हो रही है, इन सर्कल. तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एंड पॉइंट्स क्या है, क्योंकि ये 3/2 0 0/2 तो निकाल लिया हमने, ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस, ये पॉइंट हो गया तीसरा 0 0 0 0 0 2 और 3/2 0. तो x1 x2 0 0, x1 y1 0 0, x2 y2 0 2 और x3 y3 3/2 0, ये यहां से आया है, ये तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए. इसके अलावा अब हमको चाहिए इनकी लेंथ. ये लेंथ मान दीजिए बी है, ये सी है, ये ए है. तो बी तो लेंथ खैर एक्स एक्सिस में 3/2 है, तो ये बी जो है 3/2 हो गया. सी है यहां से यहां तक 2, तो ये 2 हो गया. और ए कहां से आएगा, ए होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. ए जो ये वाली डिस्टेंस है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ गया, यानी कि 2² + 3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट. इसको आप करेंगे तो ये आएगा 5/2. तो ये आपका ए हो गया. ये मैंने ए बी सी यानी कि साइड और आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्यों बताएं, क्यों, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होता है इन सेंटर का वो होता है ax1 + bx2 + cx3 + a + b + c, ay1 + by2 + cy3 + a + b + c. ये इसमें ये सारे पॉइंट रखिएगा, आपको ये कोऑर्डिनेट मिल गए सेंटर के. तो ये इन सेंटर का है, आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, ये पहली चीज हो गई. अब हमारे पास एक चीज तो आ गई, हम जानते हैं x - h² y - k² = a² होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है सर्कल का. तो हमको h और k तो मिल गया, सेंटर मिल गया. अब हमें कवायद करनी पड़ेगी रेडियस की. इसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम हीरोज फॉर्मूला की तरफ जाएंगे. हम जानते हैं रेडियस जो इन सर्कल का होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम ऑलरेडी 10th में देख चुके हैं. अंडर रूट s(s - a, s - b, s - c) और यहाँ पर s होता है a + b + c/2. तो s निकालेंगे, a + b + c तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, ये है ना, a + b + c/2 कर लीजिए. तो s आ गया, s उसको यहां रख दीजिए, क्योंकि a b c हमारे पास सारे हैं. यहां रेडियस निकल आएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा. तो इसे रेडियस निकल आया आपका 1/2, और इसको उठा के यहां रख दीजिए वापस जगह पर, इसको खोल दीजिएगा, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ये बी है इसका सही आंसर. 12वां सवाल है, इफ दी सर्कल्स, एक सर्कल दिया है x² + y² = 9, एक सर्कल दिया है x² + y² + 8y + c = 0. ये दोनों सर्कल अगर ये टच करते हैं एक दूसरे को तो c क्या होगा. ये दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो c क्या होगा. तो ये जो सेंटर है इस सर्कल का, हमको क्लियर दिख रहा है x - 0² + y - 0² = 3² है ये. तो इसका सेंटर हो गया 0 0, और रेडियस हो गया इसका 3. ये तो हम अभी तक सीख चुके हैं. यहां पर हम आते हैं, इसको हम सेंटर C1 मान लेते हैं. और यहां पर आइएगा, इस वाले का सेंटर क्या होगा, आप ये आप इसमें x वाला टर्म तो नहीं है, तो 2gx से कंपेयर करेंगे तो x वाला टर्म मिल नहीं रहा, तो 0 हो गया. इसको हम 2fy से कंपेयर करेंगे, 2gx + 2fy जो फॉर्मूला, इसको कंपेयर करेंगे 8y से, तो आप देख रहे हैं कि f आपका आ जाता है 4. लेकिन आप सेंटर होता है -g - f, तो -f करना पड़ेगा, तो सेंटर हो गया 0 और -4. ये इस सर्कल की बात हो गई. तो मैंने आपको बताया था रेडियस इसका 3 है. अब आप देखिएगा कि यहां पर ये जो आपका सर्कल है, और यहां पर अगर मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन करूं, तो इसका सेंटर का डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसका सेंटर का डिस्टेंस, पहले ये बताऊं, यहां से यहां तक रेडियस एक का है 3, दूसरे का हमें नहीं पता. ये लेकिन ये जरूर पता है कि अगर हम इसका सेंटर निकालने चले तो रेडियस निकालने चले तो वो आएगा अंडर रूट g² + f² - c. ठीक है, ये आपका रेडियस हो जाएगा. रेडियस जब आप करेंगे x² + y², अगर इसको x - h² + y - k² करते हैं और यहां पर आप रेडियस निकालने चलते हैं, तो आप क्या निकलेंगे, g² आपका
से जीरो स्क्वायर हो गया, ये हो गया 16, और 4 जो 16 माइनस 4 होल स्क्वायर 16, और माइनस सी, सी तो है ही सी, तो ये हो जाएगा रेडियस, रेडियस स्क्वायर कर देते हैं इसको, रेडियस स्क्वायर हो गया 16 माइनस सी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि सेंटर है ही इसका, x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल 16 माइनस सी। जैसे मैंने आप बताया था ये रेडियस स्क्वायर आता है, तो आप लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 16 माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 माइनस सी आएगा। इसका रेडियस आपको मिल गया अंडर रूट 16 माइनस सी, जैसे मैंने यहां बताया, तो रेडियस आपका हो गया 16 माइनस सी। और इसका रेडियस क्या है, इसको R2 मान लीजिए, इसको R1, पहले वाले को R1 मान लेते हैं, ये तो मैंने 3 बताया था आपको, और R2 आपका 16 माइनस सी आ गया। अगर ये सर्कल आपस में टच करते हैं तो ये R1 और ये R2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ ये जो डिस्टेंस है यहां से इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस देख लीजिए, ये आपका रेडियस तो हमें मिला नहीं, ये आपका R1 है आपका 3 और ये है आपका 16 माइनस सी अंडर रूट ये आ रहा है। तो जब टच कर रहा है तो यहां का सेंटर कितना है आपका, ये हम सेंटर तो हमको मिल चुके हैं, सेंटर हमारा है, इसका सेंटर था 0 0 और इसका सेंटर है 0 माइनस 4, तो ये तो क्लियर हो रहा है। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ है यहां पर, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, एक है 0 0 ये पॉइंट और ये 0 माइनस 4 है, यानी एक्स 0 है वाई माइनस 4 है, ये 4 हो गया, तो डिस्टेंस दोनों के बीच 4 हो गया। तो आप करेंगे आर वन प्लस आर टू बराबर 4, क्लियर हो गया। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूं तो 0 0 और 0 माइनस 4 के बीच में ले रहा हूं, अगर निकालना चाहे तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, डिस्टेंस हो जाएगा तो 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर अंडर रूट है इसका, तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 हो गया। अब R1 प्लस R2 करिए, ये R1 है 3, एक है अंडर रूट 16 माइनस सी बराबर 4, इसको यहां ले आइए तो 16 माइनस सी बराबर हो जाएगा 1, अंडर रूट स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 16 माइनस सी बराबर 1, सी को यहां ले जाइए और 1 को यहां ले आइए, सी बराबर 15, तो सी 15 आ गया यहां पे। सवाल संख्या है 13, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a 13, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0, ये अगर टच करता है एक्स एक्सिस को तो a क्या होगा। तो इसके लिए ये हमारे पास जो इक्वेशन है इससे हमको सेंटर तो पता चल जाएगा, तो आप इसको कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। यहां से आप क्लियर देख रहे हैं कि g क्या है, g आपको a दिख रहा है, तो हमको माइनस g लेना पड़ेगा क्योंकि सेंटर माइनस g होता है, माइनस a हो गया। इसी तरीके से 8y को अगर आप इक्वेट करें 2fy से, तो यहां पर आपको दिख रहा है f हो जाएगा 4 8 4, लेकिन हमको चाहिए माइनस एफ, तो माइनस एफ कितना हो जाएगा माइनस 4, तो सेंटर हमको मिल गया माइनस जी माइनस ए और माइनस 4, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि जब इसकी बात आती है तो रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है ना, जी कितना है, रेडियस कितना हुआ आपका, अभी हम इसको देखते हैं रेडियस क्या होगा, मैं बताता हूं अभी आपको। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहां सी है ही तो माइनस सी अंडर रूट बराबर आर स्क्वायर बराबर आर, तो आर स्क्वायर कर देते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस 4 16 और माइनस सी बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब R निकालना है, तो R कैसे आएगा, अब आप देखिए अगर कोई सर्कल X एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर आप कह रहे हैं कि इसका माइनस ए और माइनस 4 है, तो जो Y एक्सिस होगी मतलब Y डिस्टेंस होगा यही तो उसका रेडियस होगा माइनस 4, तो इसका रेडियस हो गया माइनस 4,
माइनस फोर नहीं होगा, रेडियस प्लस फोर होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेते हैं उसको। अब यहाँ पर रख दीजिए इस रेडियस की जो है, इसकी जगह आप फोर स्क्वायर रख दीजिए, माइनस फोर रखे या फोर स्क्वायर रखे, माइनस तो नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस सी, और ये हो जाएगा फोर और द सिक्सटीन। ठीक है, अब इसमें पहली चीज तो ये हो गई कि आपका ये 16 और 16 कैंसिल हो गया, और हमने कहा कि रेडियस हो गया आपका माइनस फोर, 16 कर दिया, और ए स्क्वायर फोर स्क्वायर माइनस सी, माइनस सी यहाँ पर है, और अगर आप सी देखें माइनस सी तो क्या होगा, यहाँ पर 16 है, यहाँ 16 कर दीजिए इसको आप, सी इज 16 हियर यहाँ से। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया, ये माइनस 16 था ना, माइनस 16 बराबर जीरो, ये 16 काट दिया, तो ए स्क्वायर हो गया 16, ए हो गया आपका प्लस माइनस 4, यही आंसर है इसका। सवाल संख्या 14, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 एंड टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज, मैं आपको एक कोऑर्डिनेट बताऊंगा, आप बाकी सब समझ जाएंगे। जब भी एक सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को छूता है, तो ये पॉइंट जो है, मान लीजिए आपका ए कॉमा जीरो है, और ये है आपका जीरो कॉमा ए होगा, और सेंटर होगा ए ए, राइट। तो रेडियस इसका हो, यहां पर आपको कहा गया है रेडियस, रेडियस पांच दिया हुआ है, रेडियस यानी कि ए बराबर फाइव दिया हुआ है, और आप इसमें कैसे करेंगे, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, पहला वाला बता रहा हूं, एक्स माइनस ए, ए कितना हो गया पांच, एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर कितना हुआ पांच, फाइव फाइव 25, राइट। एक बार ये हो गया ए, अगली बार आप ये वाला सर्कल लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, ये ए है, यहां पर आप मान लीजिए ये माइनस ए जीरो हो गया, ये हो गया आपका, यहां ए है तो जीरो कॉमा माइनस ए, ये पॉइंट सेंटर होगा इसका माइनस ए माइनस ए, ये हो जाएगा सेंटर इसका, एक्स होगा माइनस ए और वाई हो गया, ये होगा आपका एक्स, इसमें ए है तो ये हो जाएगा ए और माइनस ए। तो एक बार जैसे ए ए कहां है, जहां भी ए है वहां फाइव रखना है, तो एक बार आप माइनस फाइव और माइनस फाइव लेंगे, एक बार आप फाइव और फाइव तो खैर हमने ले ही लिया है यहां, एक बार आप माइनस फाइव और फाइव लेंगे, और एक बार आप फाइव और माइनस फाइव लेंगे, और फिर यही चीज करेंगे। और यहां इक्वेशन देखिए, जब हमने पहला लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फाइव लिया, ये आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आया, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आया, तो यहां पर आप प्लस माइनस करके चारों को एक साथ दिखा सकते हैं, क्योंकि एक बार प्लस प्लस लेंगे, एक बार प्लस माइनस माइनस लेंगे, एक बार प्लस माइनस लेंगे, एक बार माइनस प्लस लेंगे, तो ये आपकी जो इक्वेशन बन रही है, ये है आपकी सी, तो सी को टिक करेंगे आप। सवाल संख्या है 15, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 and 8 फ्रॉम द एक्सिस। पहले तो ये ओरिजिन से पास हो रही है, और उसके बाद ये इंटरसेप्ट काट रही है, सर्कल काट रहा है कितना, 6 and 8 फ्रॉम द एक्सिस, ओरिजिन से पास करवा दीजिए इसको, और ऐसे कटवा दीजिए। तो ये क्या हुआ, इसमें यहां पर आपके पास सर्कल तो है ही, ये ना सर्कल नहीं है, 6 and 8, तो यहां से यहां तक आपका पहला वाला हम एक्स के लिए ले लेते हैं, एक्स तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। अब ध्यान रखिए, जब सेंटर से हम इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर, सेंटर से सर्कल से, अगर आप सर्कल में अगर सेंटर से आप किसी कॉर्ड पे अगर डालते हैं लाइन, तो वो आपकी 90 डिग्री डालते हैं, तो वो दो भागों में डिवाइड करता है। तो ये कितना पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 3, 0, इसी तरीके से ये करेंगे, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 4, 0, 4, सेंटर कितना हो गया 4, 3, यानी कि एक्स 3, 4, ये 3 और 4, ये सेंटर हो गया आपका, ये यहां से भी ला सकते हैं आप, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 6/2, 8/2 जैसे मैंने बताया आपको, ये आपका हो गया 3, 4। अब रेडियस क्या मिलेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, तो 3 square + 4 square, मैं इसमें पाइथागोरस लगा रहा हूं, ये आ जाएगा 5, रेडियस आ गया 5,
रेडियस 5 आ गया, सेंटर आ गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल 4 होल स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, डी है इसका उत्तर। सवाल संख्या है 16। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल एंड पासिंग थ्रू माइनस 1 माइनस 2 इज। एक सर्कल दूसरे से कॉन्सेंट्रिक तब होता है जब उसका सेंटर दोनों का एक जैसा होता है, तो इसका सेंटर दूसरे का सेंटर सेम होगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो ये दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 3। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो यहां से मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, माइनस 3x को आप 2gx से कंपेयर करिए, माइनस जी यहां पर रख दीजिए, इसको 2fy से कंपेयर करिए, माइनस एफ यहां कर दीजिए, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर मिल गया आपको। सर्कल सेंटर दूसरे वाले सर्कल का भी यही होगा, तो सीधा उस सर्कल का लिख दीजिए x माइनस 3 बाई 2 वाई माइनस ऑफ माइनस 2 एन वाई प्लस 2 होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि ये जो है जिस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं वो माइनस 1 और माइनस 2 से पास हो रहा है, तो x की जगह माइनस 2 रखिए, y की जगह माइनस 2, x की जगह माइनस 1, y की जगह माइनस 2, और फिर इसको a के लिए सॉल्व करिए, a आपका 5 बाई 2 आएगा, फिर इसको उठा के यहाँ रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आपकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y बराबर 0, ये वाली आपकी इक्वेशन। तो आप इसमें जो B है उसको टिक करेंगे। यह है सवाल संख्या 17, तो इसको हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।